हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड फ्रॉम दिस लेसन वी विल स्टार्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ एनर्जी? ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक हमें एडिक्वेट अमाउंट जो है एनर्जी की मिलती रहे, उस चीज़ को हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। ए सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? Renewable sources of energy are those which can be generated by us or which are constantly being generated by natural process, or we can say the sources whose supply is unlimited। ऐसे सोर्स जिनकी सप्लाई कभी ना रुके, कंटिन्यूसली चलती रही, या फिर नेचर उसको रिप्लीनिश करती रहे, बनाती रहे, ठीक है, तो उस सोर्सेज को हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। जितनी मर्जी सोलर एनर्जी का यूज़ कर लें हम, ये कम नहीं होएगी, ठीक है। विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, दीज आर फ्यू सोर्सेज ऑफ नो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच वर प्रोड्यूस्ड इन पास्ट, जो पास्ट में बनाए गए थे, बाई नेचुरल प्रोसेस द्वारा बने थे, हू सप्लाई इज लिमिटेड, अब उसकी सप्लाई जो है लिमिटेड है, और विच वी कैन नॉट जनरेटेड ओवर सेल, और जिनको हम अपने आप नहीं बना सकते, जैसे कोल नहीं बना सकते ना, पेट्रोलियम, ठीक है, इसको भी नहीं बना सकते हम, जैसे नेचुरल गैस। ये फ्यू सोर्सेस जो हैं इसको नेचर ने बनाया था, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम में बनाया था। अगर इनकी हम यूज़ करते रहे, ये फिनिश हो गए, तो फिर दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। अब आ गया क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी रीजनरेटेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड अपोजिट टू दिस, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज लाइक सन एनर्जी, विंड एनर्जी विल नेवर गॉट एग्जॉस्टेड, कभी ख़त्म नहीं होगी। सोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस विल गेट डिप्लीटेड सम डे, एक ना एक दिन तो ये ख़त्म होने ही है। और जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, दे काज नो पोल्यूशन, एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑलवेज काज पोल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आर ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग? हमने यहाँ पे पढ़ा कि रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो नॉन पोल्यूशन है, ठीक है, ये पोल्यूशन नहीं कर रहे, नॉन पोल्यूटिंग है। तो यही क्वेश्चन आ गया, आर ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग? मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फर्मली नॉन पोल्यूटिंग है, बट बायोमास, बायोमास क्या होता है, एनिमल डंग, फायरवुड, क्रॉप रेजिड्यू, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम आवर सिटीज, ठीक है, डू प्रोड्यूस ए लिटिल पोल्यूशन, थोड़ा लेंथी है ये टॉपिक, पर इतना भी लेंथी नहीं है। नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी
that have been in use for centuries are called conventional sources of energy. जो हम हमारी ग्रैंड मदर ना हमारी मदर ग्रैंड मदर और उनकी भी मदर जो है यूज़ करती आई सेंचुरी से हम यूज़ कर रही हैं जैसे वुड कोल पेट्रोलियम ठीक है ये फ्लोइंग वाटर जो है इसकी एनर्जी भी हम सदियों से यूज़ करते आ रही हैं बहुत समय से ठीक है उसको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इन नाउ अडेज ठीक है आजकल हमने इसको यूज़ करना शुरू किया है और कैसे इन न्यू वे में इसको शुरू किया है और ओनली इन रीसेंट टाइम्स ठीक है आजकल हम इसको यूज़ कर रहे हैं आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा हमने क्योंकि ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स जो है हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो तो फिनिश हो रहे जा होते जा रहे तो उसका अल्टरनेट हमने ढूंढा है फाइंड आउट किया है कौन सा है ये सन एनर्जी होगी द हीट इनसाइड द अर्थ जियोथर्मल एनर्जी हम इसको कहते हैं टाइडल एनर्जी ओशन वेव एनर्जी वी विल स्टडी डीप अबाउट दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी इज आल्सो ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो ये टॉपिक था हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये पार्ट फर्स्ट मैंने लिया है और मेरे को लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड माई वीडियोज प्लीज शेयर दिस वीडियोज टू कंसर्न स्टूडेंट्स एंड आल्सो गिव मी कमेंट्स Thank you.